हेलो एवरीवन, लेसन 5 इंडिया एट प्ले। चिल्ड्रन, वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड इंडिया इज़ फेमस फॉर वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स। एज यू ऑल नो, इंडिया में बच्चे घर घर में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं। बट इन सब के साथ साथ हमारे कुछ ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जैसे कि कबड्डी, गिल्ली डंडा, किटकिट, जिन्हें आज हम थोड़ा भूल चुके हैं, बट दे आर वेरी पॉपुलर इन द विलेजेस एंड सिटीज ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंडिया एट प्ले। When we think of sports, games like cricket, football and tennis come to mind. जब भी हम sports के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में cricket, football और tennis का ही नाम आता है। We really think of games such as कबड्डी, गिल्ली डंडा, किटकिट, though they have been with us for centuries and are played enthusiastically in almost every village and city of India. हम ये भूल जाते हैं या हम इसके बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे जो उत्साह से भरे गेम हैं, कबड्डी, गिल्ली डंडा, किटकिट, जो आज भी इंडिया के बहुत से विलेजेस और सिटीज़ में खेले जाते हैं, तो ये भी हमारे एक बहुत ही खास गेम्स हैं। What are these games? Where do they come from? And what do they mean to us? Let's read on. Now in this chapter, children, we'll focus on these traditional games of India. Very, very interesting chapter. In the history of humankinds, sports has always played an important role, both as a source of amusement and as a means of keeping the mind and body fit. मनुष्यों की जिंदगी में या हिस्ट्री में स्पोर्ट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ में हमारी बॉडी और माइंड को भी फिट रखते हैं। इन एंशिएंट इंडिया, एज विद many ancient civilizations, it was not enough to gain knowledge. The health and fitness of one's body was equally important. अच्छा, प्राचीन समय के भारत में और बहुत प्राचीन सभ्यताओं में खाली नॉलेज रखना ही बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं था, हेल्थ और फिटनेस, शरीर की हेल्थ और फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। Long before India has embraced cricket and football games such as kite flying, kabaddi, kho-kho, to name a few, were played both by the kings and the commoners. अच्छा, अगर हम याद रखें तो इंडिया ने क्रिकेट और फुटबॉल को अपनाने से पहले बहुत सारे गेम्स खेल चुके हैं इंडियंस, जैसे कि kite flying, boys love kite flying, कबड्डी, वेरी वेरी नाइस गेम, खो खो, और ऐसे ही बहुत से गेम्स तो हमारे राजा और कॉमन पीपल भी खेलते आ रहे हैं। दीज गेम्स डू नॉट बोस्ट ऑफ हैविंग स्पोर्ट स्टार्स लाइक सचिन तेंदुलकर और एमसी मैरी कॉम, बट दे आर इमेंसली पॉपुलर इवन टुडे। ये गेम्स अपने ज़्यादा डींगे नहीं मांगते हैं कि हमने एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टार जैसे कि सचिन तेंदुलकर, एमसी मैरी कॉम को बॉर्न किया है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। मीन्स चाहे कोई पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टार इन गेम्स में से ना निकला हो, बट स्टिल दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में। इंटरेस्टिंगली, द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ दीज गेम्स एग्जिस्टेड इवन बिफोर द महाभारत वॉज रिटन। और बच्चों, मज़े की बात तो ये है कि इन गेम्स की पुरानी फॉर्म्स जो है वो महाभारत के पहले से हैं। सो दीज आर रियली एंशिएंट गेम्स। ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट देम वन बाय वन। तो पहले आती है हमारी खो खो की बारी। बच्चों, आप स्पोर्ट्स पीरियड में खो खो तो खेलते ही होंगे। खो खो इज सच एन एग्जाम्पल, अ गेम ऑफ ग्रेट एजिलिटी एंड अलर्टनेस। बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है और बिल्कुल स्विफ्टनेस से खेलना पड़ता है। इट वॉज प्लेड ऑन रथ्स और चैरियट्स एंड वॉज नोन एज रथेरा। जब पुराने ज़माने में, आप तो खो खो करके खेलते हो भाग भाग के, पुराने ज़माने में रथ और चैरियट्स पे खेला जाता था और इसे कहते थे रथेरा। इन इट्स मॉडर्न वर्जन, द चेजर फ्रॉम वन टीम ट्राइज टू टच द ओपोनेंट फ्रॉम द अदर टीम टू गेट देम आउट। अब इसमें क्या होता है, दो टीम्स हो जाती हैं, एक टीम में अपोजिट पार्टी होती है जो कि भागती है, दूसरे टीम के मेंबर्स बैठते हैं, तो जो बैठते हैं वो एक दूसरे को खो देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में माउथ करे होते हैं, खो देते हैं, और जो खड़े होते हैं उस वाली टीम के ओपोनेंट्स को पकड़ना होता है। द चीजर में पास हिज और हर टास्क टू द टीम मेट, वही खो देना दूसरे टीम मेट को, सिटिंग ऑन द सेंटर लाइन मेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड बाय टचिंग द टीम मेट बैक एंड शाउटिंग खो। अब जो टीम मेट्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को
खो देंगे और बीच में से नेक्स्ट टीम के पार्टिसिपेंट्स इधर से उधर मूव कर सकते हैं और वो दूसरे को खो देते हैं और जिसको खो मिलता है वो खड़ा होकर भागने लगता है। द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू डिसमिस इट्स राइवल्स विंस। जो जल्दी आउट कर देती है टीम वही विनर होती है। वेरी इंटरेस्टिंग गेम खो खो। हेयर इज द पिक। अनदर गेम ऑफ टचिंग एंड डिसमिसिंग ओपोनेंट्स इज कबड्डी। अब दूसरा मज़ेदार गेम जिसमें टच करना होता है और अपने सामने वाली टीम को डिसमिस करना होता है वो है कबड्डी। इट इज सेट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द महाभारत इंसिडेंट ऑफ अभिमन्यु गेटिंग ट्रैप्ड इन चक्रव्यूह क्रिएटेड बाय हिज एनिमीज। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि ये गेम जो है वो महाभारत से निकला है। महाभारत में एक क्या हुआ था किस्सा कि एक अभिमन्यु था। अभिमन्यु एक जाल में फंस गया था, एक चक्रव्यूह में फंस गया था। उसे बाहर निकलना था। तो ऐसे ही चक्रव्यूह में, ऐसे ही सर्कल में ओपोनेंट पार्टी जो होती है वो सामने वाले टीम के आए हुए बंदे को चक्रव्यूह में फांस लेती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक महाभारत के इंसिडेंट से ही लिया गया गेम है। कबड्डी इज अ गेम ऑफ ब्रेथ कंट्रोल रेडिंग एंड डॉजिंग। कबड्डी गेम है बच्चों सांसों का, उसमें सांस रोकनी पड़ती है और उसमें रेड करना पड़ता है और डॉजिंग करना पड़ता है। रेड क्या होता है कि एक सर्कल बना के ओपोनेंट टीम खड़ी होती है तो दूसरी टीम का बंदा आकर उसमें उसके एरिया में एंटर करता है। अ प्लेयर रेड्स द अपोजिंग टीम ट्राइज टू टच एन ओपोनेंट एंड रिटर्न टू हिज टीम। उसकी टीम जो अपोजिट टीम का आया हुआ एक बंदा होता है वो सामने वाली टीम के बंदे को टच करके वापस अपनी टीम में भागता है और नॉन स्टॉप बोलता रहता है भाई कबड्डी 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 कबड्डी, होल्डिंग द ब्रेथ। उसकी ब्रेथ टूटनी नहीं चाहिए। अगर उसने कबड्डी बोलना चैंटिंग करना बंद किया तो फिर वो खुद ही आउट हो जाता है। एट द एंशियंट गेम सो फार इंडिया हैज़ ऑलवेज वन गोल्ड इन कबड्डी। अब एशियन गेम्स जो भी होते हैं उसमें अक्सर इंडिया कबड्डी में गोल्ड मेडल लाती है। बेटा आप लोगों ने गेम्स तो देखे ही होंगे, कबड्डी के बहुत सारे इवेंट्स आजकल टीवी पे भी बहुत फ्लैश होते हैं। जैसे कि मैंने सुना है दबंग दिल्ली, पटना पायलट्स, ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं और लोग बाग उसे बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पोर्ट। अनदर पॉपुलर स्पोर्ट डेटिंग बैक टू द एंशियंट टाइम इज रेसलिंग। अब पुराने ज़माने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेम है वो है रेसलिंग। हमारी जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन, उसमें रेसलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। अगर आप पुरानी बुक्स, एंशियंट बुक्स, मैथोलॉजिकल बुक्स देखेंगे तो उसमें महाभारत का नाम बहुत पॉपुलर है। महाभारत में क्या होता है, दुर्योधन और भीम में बहुत तगड़ी रेसलिंग होती है। दे आर कंसिडर्ड एज वेरी फेमस पॉपुलर रेसलर्स। द मोस्ट फेमस फ्री स्टाइल वर्जन ऑफ रेसलिंग इन इंडिया इज कुश्ती। और सबसे फ्री स्टाइल वर्जन होता है रेसलिंग का इंडिया में कुश्ती, विच सिम्बोलाइजेस, जिसका अर्थ होता है या जो सिम्बोलाइज करते हैं बहादुरता और हिम्मत को। पहलवान्स और रेसलर्स जनरली प्रैक्टिस इन अखाड़ा और रेसलिंग स्कूल। कभी आप लोग वहाँ गए हो हरिद्वार? हरिद्वार में भी बहुत सारे अखाड़ा हैं और बहुत सारे पहलवान और वहाँ पर दंगल चलते रहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन होता है, कभी आप जाना तो ज़रूर देखना। पहलवान्स और रेसलर्स जनरली प्रैक्टिस इन अखाड़ाज और रेसलिंग स्कूल्स एंड दंगल्स। अभी हमने देखी थी दंगल दंगल, वो वाली मूवी भी देखी थी, उसमें भी देखा था हमने। एनुअल विलेज कॉम्पिटिशंस डिसाइड अ न्यू चैम्पियन एवरी ईयर। अब जैसे हमारे एनुअल एग्जाम होते हैं ना, ऐसे वहाँ पर एनुअल विलेज कॉम्पिटिशन होता है जिसमें हर साल एक चैम्पियन चुना जाता है। Many Indian wrestlers such as Sushil Kumar, Geeta Fogart and Babita Kumari have gained international fame and become the face of Indian wrestling. और कई popular हमारे इसमें से wrestlers रह चुके हैं, जैसे कि सुशील कुमार, गीता फोगाट, बबीता कुमारी, इनका नाम तो आपको फटाफट याद आ गया होगा। इन लोगों ने बहुत internationally बहुत नाम कमाया है और बहुत ही popular face हो गए हैं wrestling के नाम पर।